गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। JSKM क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, JSKM क्लासेस में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैप्सूल कोर्स के माध्यम से कराने के बारे में बताया गया था। आज उसी का शुभारंभ है। आज पॉलिटेक्निक ग्रुप ए इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए कैप्सूल कोर्स तैयार किया जा चुका है, जिसका शुभारंभ आज किया गया है। पहली कड़ी में हम आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे, जिसका सही उपयोग करके आप कम समय में अच्छे से अच्छे तैयारी करके अच्छे अंक ला सकते हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जितने अच्छे आपके अंक होंगे, उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। अंक के आधार पर रैंक बनती है और रैंक के आधार पर आपको कॉलेज का आवंटन किया जाता है। यदि आप अच्छे अंक पा लेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, है ना। आइए शुरू करते हैं। तो ग्रुप ए का पाठ्यक्रम है इसमें ग्रुप ए में तीन विषय शामिल किए जाते हैं, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। गणित में प्रश्नों की संख्या 50 होती है और ये हमें 200 अंक देती है। भौतिक विज्ञान में प्रश्नों की संख्या 25 होती है और ये हमें 100 अंक देते हैं। रसायन विज्ञान में प्रश्नों की संख्या 25 होती है और ये हमें 100 अंक देते हैं। इस प्रकार कुल प्रश्न हमारे 100 होंगे और हमें 400 अंक मिलेंगे। यदि हम सभी का सही सही आंसर देते हैं तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, तथा यदि एक भी उत्तर हमारा गलत हो गया तो एक अंक काट लिया जाता है, अर्थात नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए हमारी सलाह है कि आप लोग अच्छे से समझकर जो आपको प्रश्न पहले आ रहा हो उसका उत्तर पहले दीजिए और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ते चले जाइए। बाद में यदि समय बचे तब उन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए और उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बहुत आवश्यक नहीं है कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर दें, लेकिन आवश्यक यह है कि आप जितने प्रश्नों का उत्तर दें वो सही दें, क्योंकि यदि आपने गलत प्रश्न का उत्तर दे दिया तो जो सही प्रश्न था उसमें से आपका एक नंबर चला जाएगा, है ना। ये आपका प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में आपको 100 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके द्वारा आपको 400 अंक मिल सकते हैं। आइए देखते हैं पहला खंड गणित। गणित में प्रश्न किसमें से आते हैं। गणित के अंतर्गत अंक गणित से 10 प्रश्न आपको मिलेंगे जो 40 अंकों के होंगे। बीज गणित में भी 10 प्रश्न आते हैं, वो भी 40 अंक के होंगे। त्रिकोणमिति में 5 प्रश्न आते हैं, वो 20 अंक के होते हैं। सांख्यिकी में 5 प्रश्न आते हैं, वो भी 20 अंक के होते हैं। रेखागणित में 10 प्रश्न आते हैं, 40 अंक के होते हैं। क्षेत्रमिति में 5 प्रश्न आते हैं, वो 20 अंक के होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में 5 प्रश्न आते हैं, वो 20 अंक के होते हैं। इस प्रकार से गणित भाषा के अंतर्गत आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और वो 200 अंक के होंगे। अब इसमें कुछ प्रश्नों की संख्या घट बढ़ सकती है। बीज गणित में 9 प्रश्न कर दिया, सांख्यिकी में 8 प्रश्न कर दिया, त्रिकोणमिति में 7 प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न पत्र बनने के समय थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन कुल प्रश्नों की संख्या 50 ही रहेगी, आपको अंक 200 ही मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से विधिवत तैयारी आप करते रहिए। जो विषय के जो पाठ है उन पाठों के ऊपर अधिक ध्यान केंद्रित करिए और जो पाठ आपको ज्यादा अंक देने वाले हैं उस पर समय ज्यादा देते हुए अच्छे से उनकी तैयारी करिए। आइए खंड 2 की ओर देखते हैं। खंड 2 है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जिसको बोलते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी 25 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और कुल 100 नंबर आपको भौतिक विज्ञान से प्राप्त होंगे। इसमें कौन कौन से पाठ हैं। पदार्थों के सामान्य गुण,
ये चार प्रश्न इसमें से आएंगे और आपको 16 अंक देंगे। ध्वनि में 3 प्रश्न आएंगे और 12 अंक देंगे। ऊष्मा 4 प्रश्न आएंगे और 16 अंक देंगे। प्रकाश भी 4 प्रश्न आएंगे और 16 अंक देंगे। स्थिर विद्युत 3 प्रश्न आएंगे और 12 अंक देंगे। विद्युत धारा भी 4 प्रश्न आएंगे और 16 अंक देंगे। विद्युत चुंबकत्व में 3 प्रश्न आएंगे और 12 अंक देंगे। इस प्रकार से इसमें भी 25 प्रश्न कुल आएंगे और 100 अंक आपको प्राप्त होंगे। अगला है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आपको भी 25 अंक मिलेंगे, 25 प्रश्न होंगे और 100 अंक आपको दिए जाएंगे। इसमें सामान्य और भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन के बारे में जोड़ा गया है, उससे आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और 40 अंक आपको मिलेंगे। अकार्बनिक रसायन से 8 प्रश्न आएंगे और 32 अंक दिए जाएंगे और कार्बनिक रसायन से 7 प्रश्न आएंगे और 28 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से कुल 25 प्रश्न आएंगे और आपको 100 अंक दिए जाएंगे, है ना। तो हमने क्या देखा कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो गणित है। गणित में 50 प्रश्न होंगे और 200 अंक हमें दिए जाएंगे। अन्य भौतिक विज्ञान में 25 प्रश्न और रसायन विज्ञान में भी 25 प्रश्न होंगे। तो यदि हम अच्छे से गणित की तैयारी कर लें तो हमारा स्कोर अच्छा हो सकता है। लेकिन भौतिक और रसायन भी तो है, इसका एक नियम ये भी है कि प्रत्येक भाग में अलग अलग पास होना अनिवार्य है। ये नहीं है कि आप गणित के 49 प्रश्न हल कर लिए और भौतिक विज्ञान में फेल हो गए, ऐसा होगा तो नहीं चलेगा। सभी में आपको पास होना अनिवार्य है। गणित में भी पास हुई है, भौतिक में भी पास हुई है और रसायन में भी पास हुई है ना। तो इसके लिए आपको क्रमबद्ध और विस्तृत तैयारी करने की आवश्यकता है। हमारा चैनल हमेशा आपके साथ संघर्षरत है। आपकी प्रत्येक तैयारियों में हमारा चैनल साथ देता है। तो इस कड़ी में हमारे चैनल ने आप लोगों के इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए कैप्सूल कोर्स का निर्धारण किया है, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है। 15 सितंबर से आप लोगों की परीक्षाएं होनी है, तब तक ये कोर्स एक कैप्सूल कोर्स के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, है ना। तो इस जो पेपर होगा उस पेपर में आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव मार्क्स समझते हैं ना। चार एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके चार आंसर होंगे, विकल्प होंगे, उन विकल्पों में सही विकल्प सही आंसर आपको चुनना होगा और सही अंक चुन करके आप एक प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, है ना। एक प्रश्न होगा, उसके चार विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प जो सही होगा उसका आपको चयन करना होगा और उस एक विकल्प के चयन करने पर आपको 4 अंक दे दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने एक विकल्प का चयन किया, आपको 4 अंक मिल गए और दूसरे विकल्प में आपने गलत कर दिया तो उस 4 अंक से 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए, आपको जितने प्रश्न आ रहे हैं उतने प्रश्नों को पहले कीजिए, उसके बाद जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, उन प्रश्नों का हल ढूंढिए और यदि आ जाए तो आप उसका आंसर दीजिए, यदि ना आए तो आंसर मत दीजिए, क्योंकि वो गलत प्रश्न आपके सही प्रश्नों के आंसर में भी, सही प्रश्नों के जो अंक मिलेंगे उसको भी कम कर देंगे, तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। स्कोर बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। चलिए, तो इन सब चीजों के साथ आप अपने कोर्स पर रिवाइज करते रहिए, अपने कोर्स पर ध्यान दीजिए, क्या क्या पाठ्यक्रम है आपका, क्या क्या कोर्स है आपका, यहाँ बताया जा चुका है। और अन्य किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल हमेशा आपके कार्यों के लिए, आपके विकास के लिए संघर्षरत है। आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, सभी का। उन लिंक के माध्यम से आप हमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।